ये क्वेश्चन ना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आप अगर ज्वाइन करेंगे तो आप सभी को बहुत पसंद आएगा, तभी बिल्कुल खुश हो जाएंगे। हमारे ज्वाइन करिए इवेंट में, बस www.mohammadrafiinstitute.com पे जाइए और वहाँ आप इवेंट्स में जाएंगे तो इवेंट्स में आपको सब डिटेल्स आ जाएगी। आज ही के दिन बहुत सारे लोग हैं जो मोहम्मद रफ़ी साहब को खिराज अकीदत यानी ट्रिब्यूट पेश करते हैं, लेकिन पैंडेमिक के चलते बहुत लोग मोहम्मद रफ़ी साहब की कब्र पर नहीं पहुंच पाए, ना ही जो हॉल ऑफ फेम है जहां पर रफ़ी साहब की कुछ यादगार चीज़ें जो नायाब हैं मौजूद हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब का जहां पर घर था, आज उनके अहल खाना वहाँ पर क़याम पज़ीर हैं, वहाँ भी नहीं पहुँच पाए। लेकिन जूम पर यानि इस इंटरव्यू के ज़रिए, इस वीडियो के ज़रिए हम आपको जोड़ेंगे मोहम्मद रफ़ी साहब के पोते फुज़ैल रफ़ी साहब के साथ। वो यूएसए से हमारे साथ जुड़े हैं और आज के दिन को कैसे याद करते हैं, रफ़ी साहब को कैसे याद करते हैं पूरे घर वाले, किस तरह से आज के दिन को मनाते हैं, या आज के दिन का क्या पैगाम है तमाम रफ़ी साहब के मद्दाह के लिए, ये उनसे जानेंगे। तो फुज़ैल रफ़ी साहब हमारे साथ शामिल हैं। सबसे पहले बहुत बहुत इस्तकबाल है फुज़ैल साहब आपका हमारे इस शो पर। थैंक यू सो मच आदाब, थैंक यू सो मच रिजवान भाई हमारे को ज्वाइन करने के लिए, हमारे को ये इंटरव्यू में बुलाने के लिए, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, सभी आज और सभी दर्शकों को आदाब। जी शुक्रिया आपका भी कि आप इस मौके पर हमारे साथ जुड़े। हम यही जानना चाहेंगे कि आज का दिन था, मोहम्मद रफ़ी साहब यानी आपके दादा हम सब के बीच से रुखसत हो गए, अलविदा कह गए, लेकिन इतने साल बीत चुके हैं, हम अब तक रफ़ी साहब को ना भुला पाए हैं ना कभी भुला पाएंगे, तो इस मौके पर आप सबसे पहले क्या कहना चाहते हैं तमाम रफ़ी साहब के चाहने वालों से? सबसे पहले तो हम आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि दादा बा के वक्त आप लोगों ने इतना प्यार और मोहब्बत दिया, और ये जनरेशन भी दादा बा जब गुजर गए, अभी जैसे आज आज देखिए आज 41st डेथ एनिवर्सरी दादा बा की, तो आप लोग इतने सालों 41 years तक, उनके जाने के 41 years तक भी आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत से कि उनके आप उनकी कब्र पर अभी भी जाते हैं, आप उनके इतना विजिट करते हैं, आप हम लोगों को इतना प्यार देते हैं, इतना इतना आप हम लोग के यहाँ पर के गिफ्ट्स देते हैं, गाना गाते हैं, देते हैं, तो हम बहुत ही शुक्र अदा करना चाहेंगे आप सभी को। थैंक यू सो मच कि आपने इतने साल इतना इतना प्यार दिया, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आज के दिन को आप अपने परिवार के साथ किस तरह मना रहे हैं, रफ़ी साहब को किस तरह याद कर रहे हैं? हम सच बताएं हम लोगों को वक्त ही नहीं मिलता, हम लोग को एक साथ में वो करने को वक्त नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग आप सभी के साथ मनाते हैं, तो ये फैमिली तो हम सभी है, बिल्कुल ऐसे नहीं कि हम लोग ही फैमिली है, आप सभी फैमिली है, आप सभी लोग हम लोग के साथ फैमिली मेंबर्स है, फैमिली मेंबर्स जैसे है, तो ये पूरा हफ्ता आई वुड से एक्चुअली पूरा हफ्ता आप लोग मतलब सब उनके जाने वालों के साथ, उनके मोहब्बत करने वालों के साथ उसमें गुजरता है पूरा टाइम। आते हैं जैसे हमने भी कहा, वो गाते हैं और दुआएं देते हैं, प्यार करते हैं और विजिट करते हैं, तो वो पूरा दिन आप लोग के साथ ही, पूरी फैमिली के साथ एक साथ ही मनाते हैं हम लोग, गाना वाना गा के ऐसे ही बोलेंगे। रफ़ी साहब ने हर जॉनर के लिए गाने गाए, आपको रफ़ी साहब खास तौर पर किस जॉनर में सबसे ज़्यादा अच्छे लगे? सैड गाने भी गाए रफ़ी साहब ने, रोमांटिक भी गाए, कॉमेडी भी गाए, आप किस तरह के गाने पसंद करते हैं रफ़ी साहब के? जी देखिए ये क्वेश्चन ना बहुत डिफिकल्ट है, ये क्वेश्चन और हम हमेशा सबको एक ही आंसर देते हैं, देखिए बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक जॉनर में हमको फेवरेट गाने हैं उनके, हर एक में। आप रोमांटिक बोल देंगे तो फिर जैसे गुलाबी आंखें हो गए, आपने सैड बोल देंगे तो वो गाना दादा बा का दिन न ढल जाए रात ना जाए जी, और उनका एकदम फन वाला गाना तो बोलेंगे वो याहू वाला, और काफी और गाने हैं, तो हर एक जॉनर में हमारा एक ना एक तो थोड़ा बहुत फेवरेट तो ऊपर नीचे होता ही रहता है, रहता ही रहता है, जैसे बिल्कुल रफ़ी साहब के गाने एक से बढ़कर एक हैं, किसी को ये नहीं कह सकते कि कौन सा अच्छा है और कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा है, सारे ही अच्छे हैं। अच्छा रफ़ी साहब को आपने कभी देखा नहीं, सिर्फ उनके बारे में सुना है अपने वालिदैन से या और लोगों से, अपने घर वालों से, तो जितना रफ़ी साहब के बारे में सुना, रफ़ी साहब की शख्सियत से आपने क्या कुछ सीखा? देखिए जैसे हमारे डैड भी हमेशा कहते हैं और जैसे सभी कहते हैं और हमारे डैड ने हमको सिखाया था, मॉम और डैड दोनों ने, कि हमेशा हम्बल रहना, हमेशा डाउन टू अर्थ रहना,
कभी भी घमंड नहीं करना, कभी भी ऊंची आवाज माशाल्लाह। ऐसे सब में ऐसे ऐसा नहीं करना, कभी भी हमेशा हम्बल रहना, हमेशा अच्छे रहना सभी से। तो जी हम बस वही करते हैं और वही नेचुरली आ ही जाता है अल्हम्दुलिल्लाह से। बस ये एक छोटा मोट जो छोटी बड़ी जो जो चीज़ें हैं जो दादाबा के बारे में जो सुन के हम ले सकते, तो हम बहुत जी कोशिश करते कि हम वो बरकरार रखें। जी बिल्कुल। जैसा कि आप भी जानते हैं कि इस पेंडेमिक की वजह से रफ़ी साहब को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए कोई मुंबई नहीं पहुंच पाया, कब्रिस्तान नहीं पहुंच पाए, और हॉल ऑफ फेम जहां पर रफ़ी साहब ने अपनी ज़िंदगी के बरस गुजारे, आपके घर वाले वहां पर रहते हैं अभी भी माशाल्लाह। क्या पैगाम देना चाहेंगे तमाम रफ़ी साहब के चाहने वालों को जो इस मौके पर वहाँ तक नहीं पहुँच पाए? हम बस इतना कहना चाहेंगे कि सबसे पहले आप बस अपना ध्यान रखिए, आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। ये पैंडेमिक बहुत बहुत बुरा फैला है और फैल रहा है अभी भी, ये ऐसा नहीं कि रुक गया है। तो आप सभी प्लीज़ ध्यान दीजिए अपने अपने आप का और अपनी फैमिली का, ज़्यादा बाहर ना निकले। और अपना प्यार, आपका प्यार हम तक पहुँच जी जाएगा बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि आप लोगों ने इतना साल तक मोहब्बत दी है, तो आई एम श्योर अभी भी पहुँच जाएगा। और जैसे हमने कहा, आज के दिन हमारा एक इवेंट है, जी आप अगर हमें ज्वाइन करेंगे तो आप सभी को बहुत पसंद आएगा, सभी बिल्कुल खुश हो जाएंगे। हमारे को ज्वाइन बिल्कुल करिए इवेंट में, फिर देखिए इंशाल्लाह। वहां से आप अपने घर में बैठ के सेफ रह के आप अपने प्यार और अपनी मोहब्बत दिखा सकते हैं वहां से। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। अच्छा, इस इवेंट के बारे में बता दीजिए कि किस तरह से लोग जुड़ सकते हैं, ख़ास तौर पर आज के दिन मोहम्मद रफ़ी साहब की याद में जो ये लाइव इवेंट आप करने जा रहे हैं, कैसे लोग जुड़ें इसमें? जी बिल्कुल, आप बस www.mohammadrafiinstitute.com पे जाइए और वहाँ आप इवेंट्स में जाएंगे तो जी इवेंट्स में आपको सब डिटेल्स आ जाएगी उसकी। आप वहाँ जाके रजिस्टर कर सकते हैं, अंदर इंशाल्लाह यू विल बी फाइन। तो फ़ुज़ैल रफ़ी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, हमारे साथ जुड़े और अपने तमाम चाहने वालों से, रफ़ी साहब के चाहने वालों से आपने बातचीत की, उन तक ये पैगाम पहुंचाया, हम शुक्रगुजार हैं आपके। थैंक यू सो मच रिजवान भाई कि आपने हमें बुलाया ये इंटरव्यू पे और जी आपने हमारे से बात की। और सभी दर्शकों, आप सभी को थैंक यू कहना चाहेंगे। जी हमें अच्छा लगता है अभी भी कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं। एंड आई लव यू ऑल एंड आई विल सी यू ऑल सून। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त, आप रखिए अपना ख्याल, तब तक के लिए आदाब।